ये यहाँ पर फिर पीने के पानी की व्यवस्था, जल घर एक उस तरफ था, ये दूसरी तरफ यहाँ पर एक और आ गया। ग्रीनरी देखिए आप चलते हैं। विशेष रूप से ये जो कॉर्नर है ये बच्चों के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर देखिए तरह तरह के झूले हैं, देखिए ऊपर चढ़ने के लिए, लटकने के लिए यहाँ पर, ये फिर वही प्यारा सा डस्टबिन। आए चीकू मीकू दिखाओ ये लटक के, झूला एक मिनट, ये देखो ऐसे लटकते हैं एकदम करके बता रही है, क्या बात है। अच्छा अच्छा हाँ ये तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो हाँ जय जय को चढ़ाओ, झूले पे चढ़ाओ। हाँ जय चढ़ो उस पे। चलो ये देखिए जय है वो स्विंग्स का मजा लेते हुए, बहुत अच्छा है। ये यहाँ पर वो क्या बोलते हैं भाई, इनका नाम तो मुझे नहीं पता है लेकिन ये भी बहुत मस्त है, क्या बात है, सभी झूले बहुत अच्छे हैं। चलो ये फिर यहाँ पर झूले, फिर वो पीछे राजस्थान वाली बेंच, ऊंट यहाँ का शानदार जीव, ये यहाँ पर स्लाइड्स, ये ऊपर स्लाइड्स भी है। किस पर चढ़ना जाए, ये भी बच्चों के लिए एक पूरा पैकेज है यहाँ पर, एक्सरसाइज करने का, खेलने कूदने का पूरा शानदार पैकेज, कोई कमी नहीं है इसमें बच्चों के लिए। हर तरह का खिलौना, हर तरह का इक्विपमेंट यहाँ पर दिया गया है। जय चलो जय आ जाओ, जय आओ, जय चलो, जय जय चलो, नहीं गिरे, ओ चलो 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 चलो, ब्रेक मत लगाओ भाई ने ब्रेक बीच में लगा दिया, ब्रेक लगा के मत आओ, पूरा स्लाइड होके आ जाओ। ओ इतना बढ़िया, कितना एंजॉय कर रहा है, क्या बात है। ये अंकल है बिटिया को यहाँ पर खिला रहे हैं, क्या बात है। हेलो बेटे अच्छा लग रहा है, बोल के बता नहीं रही। क्या मैं गिरा था, ये देखिए इस पौधे के फूल, थोड़ा मैं बीच में से ऑफ रोड चलता हूँ, पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या आता है, मैं उसको पढ़ने में थोड़ा असफल हूँ। डस्टबिन बनाया है फिर भी जो कचरा है वो बाहर फेंकता है, क्यों करते हैं ऐसा लोग, समझ से बाहर। बढ़िया सुविधा, ये यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, आप ये स्विमिंग पूल है क्या, स्विमिंग पूल ही है। चलो आ जाओ जय, ये देख इतने लोग आते हैं ना इस पार्क में घूमने के लिए, तो ये सीसीटीवी तो बनता ही है, इतने लोगों को कोई चोर उचक्का भी आ सकता है, कुछ असामाजिक तत्व भी आ सकते हैं, तो ये पूरा अच्छा सा सीसीटीवी पूरे पार्क में ऐसे सीसीटीवी लगे हैं, बहुत अच्छा। ये देखिए इतना अच्छा पानी यहाँ पर चल रहा है और हरियाली तो होती है, साथ में जो पक्षी हैं उनको भी पानी मिल रहा है, इस गर्मी में पानी की बहुत ज़रूरत है भाई, है ना। ये जो पक्षी है ये भी पानी यहाँ पर पी लेते हैं, है ना, वो टिटहरी यहाँ पर भाई साहब काम करते हुए, देखता हूँ इसके पास देर में उठती है।
उड़ मत जाना भाई, आराम से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो भाग गई, उधर भाग गई। ये देखिए, जब पार्क में घूमते हुए आप अगर थक जाएं तो यहाँ पर आपके बैठने की अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं और बैठने के लिए बेंचेस लगे हैं, साथ में टेबल, पूरा टेबल बेंचेस। उसका कारण यह है कि यहाँ पर ये खाने पीने के लिए साथ में कैंटीन बनी हुई है, यहाँ पर आप आइसक्रीम कुछ भी, समोसा टिक्की कुछ भी खा सकते हैं। ये यहाँ पर एक बढ़िया सी कैंटीन। पार्क में भाई सुविधा तो बहुत है, इस तरफ भी यहाँ पर भी ये बने हुए हैं बैठने के लिए, हाथ धोने के लिए, मुँह धोने के लिए पूरी व्यवस्था है। बहुत अच्छा ये कैंटीन, यहाँ पर सब मिलता है भाई आपको, फास्ट फूड यहाँ पर खास तौर से शाम को मिठाई भी उपलब्ध है, केक भी उपलब्ध है ना, यहाँ पर हर तरह से मिठाई वगैरह सब। ये यहाँ का मेनू देख लीजिए, ठीक ठाक सा मेनू है, अच्छा ही मेनू है, गुड। यहाँ से नज़ारा देखिए आप, कितना सुंदर और भव्य नज़र आता है, बहुत अच्छा। जय, अच्छा लगा, वेरी गुड। मंकी डस्टबिन, मंकी बेचारा कितने प्यार से बोल रहा है, यार कोई तो आओ कचरा मुझमें अंदर डालो, है ना, यूज़ मी, कचरा मेरे अंदर डालिए। लेकिन लोग हैं कि समझते नहीं हैं, लोग कचरा पूरा का पूरा बाहर फेंक देते, क्यों फेंक देते हैं समझ से बाहर है। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, आप फ्लावर देखिए कितने सुंदर, कितने प्यारे प्यारे पिंक, कितने अच्छे लग रहे हैं। जाइए, ये देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि ये घास है ना, ऐसे पौधे लगा दिए, ये ऐसे ही पौधे नहीं हैं, वास्तव में ये भूल भुलैया है। अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं, उस तरफ से दिखाता हूँ, ये देखिए बीच में गलियाँ बनी हुई है और बच्चों के खेलने के लिए है, ये भूल भुलैया है, छोटे छोटे खिलौने आते हैं ना, ये देखिए आप इस तरह से, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ से पूरा देखिए अंदर गलियाँ बनी हुई है, वो बच्चे अंदर घूम रहे हैं। ये देखिए सब गलियाँ बनी हुई है, तो ये प्राकृतिक नेचुरल जो भूल भुलैया है, पेड़ पौधों की जो भूल भुलैया है, वो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। ये देखिए भाई, कौन सी गली कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं चल रहा, ये तो वास्तव में भूल भुलैया है। हाँ, आपको ईमानदारी से खेलना है, कट नहीं मारना है, जो कट बनाए हुए हैं उसी में से खेलना है। हाँ, ये देखिए आप इधर से जाएंगे, ये इधर इधर ब्लॉक कर दिया है और यहाँ इस तरफ से खाली है, और इधर से जाऊँगे, अरे 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 ये तो यहाँ पर तो रोक दिया है, फिर मैं किधर से जाऊँ, अच्छा इधर से जाता हूँ। ये देखिए, अरे ये तो मस्त भूल भुलैया भाई। ये देखिए रिदम भी इधर से आके है। अरे जय बाबू, कहाँ फंस गए भाई, सेंटर में जाना है, रास्ता कहाँ है। अरे रास्ता, अच्छा ये रास्ता है, ये रहा इसका रास्ता, ये रहा, और यहाँ से तो सीधा ही आ गया। अच्छा ये गलत हो गया, ये किसी ने बना रखा है गलती से। और जय, वो हमारा भाई सच में भूल भुलैया में फंस गया, हीरो कहाँ पर हो। अरे भाई आओ जल्दी, आओ जल्दी अंदर आओ, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, रास्ते से आओ, घूम भाग कर आओ, भाग कर, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, रन 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 भाई। बहुत अच्छा, ऐसी भूल भुलैया मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है, बहुत अच्छा, थैंक यू जय। ये जो पार्क इतना सुंदर बना है ना, ये सिर्फ पैसे से नहीं बना है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, उनमें से एक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आइए सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। अरनाथ सिंह जी, आप यहाँ पर किस पोस्ट पर काम करते हैं? माली काम करते हैं। अच्छा, माली का काम करते हैं। तो ये इतना सुंदर जो पार्क बनाया, ये आपने बनाया अकेले ने? नहीं, हम और भी लेबर है। अच्छा, और भी हैं आपके साथ? हाँ। कितने लोगों की टीम है? आठ लोगों की है। अच्छा हरनाथ जी, मुझे बताइए आप ये क्या क्या काम करते हैं यहाँ पर, सुबह से कितने बजे आते हैं, शाम को कितने बजे जाते हैं? 8 बजे आते हैं, 6:30 बजे जाते हैं। अच्छा, और क्या काम करते हैं? इस बीच पानी लगाते हैं, कटिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं। कटिंग भी करते हैं, पानी भी लगाते हैं, सारा कुछ करना पड़ता है। ओके, और नए ये इतने सुंदर सुंदर पौधे कौन लेके आता है, आप लेके आते हैं कि कोई ऑफिसर लेके आता है? ठेकेदार ने मंगाई थी। अच्छा, ठेकेदार ने मंगवाए हैं, पार्क लगवाया। ओके ओके, अच्छा
तो ये रात को कितने बजे तक खुला रहता है? 10:30 बजे तक। तो आप रात को भी यहाँ पर काम करते हैं? गार्ड अलग हैं वो। अच्छा, रात के गार्ड अलग हैं। अच्छा, हम तो दिन में काम करते हैं। चलो, बड़ा अच्छा बनाया आपने पार्क को, सच में इतने सुंदर फूल, इतनी हरियाली। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? 1 साल हुआ इसका। 1 साल हुआ है? 1 साल में इतना सुंदर बना दिया? और देखा है मैंने, बहुत जगह काम चल रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लगे रहिए, हमारा साथ आपके साथ है। पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक को, पब्लिक तो आती है, घूमती है, बढ़िया देखती है चारों पास। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग डस्टबिन बने हुए हैं फिर भी कचरा बाहर फेंक रखा है। ऐसा तो पब्लिक समझती नहीं है। लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि यहीं पे इन लोगों ने यहाँ कैंटीन से खाया पिया और यही डस्टबिन के बाहर फेंक देते, ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना, सफाई रखनी चाहिए। चलो, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हरनाथ जी, धन्यवाद। थोड़ी धूप होगी है, हम लेट हो गए जरा आने में, कल रात को लेट सोया था तो इसलिए नींद जरा देर से खुली। सुबह 5 बजे आना था लेकिन मैं अभी आया हूँ 8 बजे, तो 8 बजे तो भाई बहुत धूप होगी। सूरज देखिए आप कितना चमक रहा है, मुझे क्या कैमरे को भी सामने नहीं देखने दे रहा है। चलिए, ये यहाँ की जो वाटर बॉडी देखने में बहुत सुंदर है, और सबसे बड़ी बात तो मुझे गर्मियों में जो लगता है ये यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करती है। इसके पास ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं, और ये यहाँ का ओवरब्रिज, यहाँ से ओवरब्रिज से शायद ये देखने का अपना ही नज़ारा है। चलिए ऊपर चलकर देखते हैं। ये देखिए आप, क्या बात है, यहाँ से तो बहुत सुंदर दिख रहा है। क्यों जय, उधर क्या है, दिखाओ। हाँ दिखाओ, इस तरफ, क्या बात है। अरे भाई बहुत ऊंचे से, तो ये तो ज्यादा अच्छा दिख रहा है पार्क। आपको तो एक बार 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ। वो वहाँ बच्चे हैं, बच्चों का कॉर्नर वहाँ से शुरू करते हैं। ये सामने वहाँ टॉयलेट वगैरह है, ये इस तरफ दूर कैंटीन है, और ये इसका मेन एंट्रेंस गेट आपको दिखाई दे रहा है। ये इसका यहाँ पर कंट्रोल रूम, उधर गए थे हम, फिर वो उधर दूर ओपन जिम, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाली, ये ओपन जिम है, और ये जो इस तरफ मंदिर है, फिर हम यहाँ से इस तरफ आ गए, और ये देखिए वो फिर वहाँ पर ओपन जिम है, और ये आप देखिए कितना सुंदर है यहाँ पर पानी का। देखिए थोड़ा इसमें अभी धूल भरी आंधियां चलती है राजस्थान में, इसलिए रेत मिट्टी जिसके अंदर फंसी हुई है, मिट्टी बहुत ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन मिट्टी ने भी अपने आप में एक इसकी सुंदरता में 4 चांद जोड़ दिए। बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, अगर ये पूरा साफ होता तो इतना अच्छा नहीं लगता जितना ये मिट्टी के साथ लग रहा है। है ना जय, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा भाई, ये किसी भाई की चश्मा गिर गई है किसी बच्चे के नीचे देखते हुए, टूट गई है। चलिए अभी यहाँ से वापस चलते हैं। वो ओवरब्रिज है, मैं आपको बता रहा था, वहाँ से ये अंदर पूरा सिटी के अंदर प्रवेश। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, आइए किसी दिन वक्त मिले तो जरूर घूमने आइए, लेकिन सुबह और शाम को आइए, या तो आप सुबह में आएँ या फिर आप शाम को आएँ, क्योंकि इस समय धूप में आपको यहाँ पर बहुत ही इक्का दुक्का आदमी मिलेंगे देखने के लिए। ये देखिए, ये किसी ने दिल बना रखा है, पत्थर दिल, सुना तो था, ये देख लीजिए आप, देखा पहली बार है। ये लो भाई, पत्थर दिल सुना होगा आपने गानों में, है ना, कहानियों में, ये देख लीजिए आप पत्थर का दिल। आ जाओ,